36 बच्चों की मौत के लिए योगी सरकार जिम्मेदार, इस्तीफा दे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज BRRD में ऑक्सीजन की कमी हुई। 36 बच्चों की मौत पर अब राजनीतिक शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इन बच्चों की मौत के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और CM योगी और स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के कहने पर कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद, राज बब्बर, संजय सिंह और प्रमोद तिवारी गोरखपुर पहुंच गए हैं। कांग्रेस ने घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है, ये राज्य सरकार की नाकामी का नतीजा है। मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, जांच के लिए सांसदों की टीम बने और स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा सौंपे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन भी गोरखपुर जाएंगे। CM के साथ दोनों मंत्रियों की बैठक हुई है। वहां से आने के बाद दोनों मंत्री CM को घटना की पूरी रिपोर्ट देंगे। आपको बता दें कि 36 बच्चों की मौत हो चुकी है। शनिवार सुबह इंसेफेलाइटिस से पीड़ित 11 साल के एक और बच्चे की मौत हो गई। यह घटना गोरखपुर के BRRD मेडिकल कॉलेज की है, जहां मरने वालों में 13 बच्चे NICU वार्ड और 17 इंसेफेलाइटिस वार्ड में भर्ती थे। बताया जा रहा है कि 69 लाख रुपए का भुगतान न होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली फर्म ने ऑक्सीजन की सप्लाई गुरुवार की रात से ठप कर दी थी। खबरों के मुताबिक पिछले 5 दिनों में 62 बच्चों की मौत हो चुकी है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने ऑक्सीजन की कमी से इनकार किया है।